जल, पानी या वाटर, किसी भी नाम से बुलाइए, ये एक ऐसा लिक्विड है जिसके बारे में या जिसके बगैर धरती का जीवन संभव ही नहीं है। वैज्ञानिक आज तक ये नहीं जान पाए हैं कि आखिर ये जमने पे फैलता क्यों है, जबकि बाकी लिक्विड जमने पर सिकुड़ जाते हैं। ये एक अकेला लिक्विड है इस सृष्टि का, जो कि तीनों फॉर्म में पाया जाता है, यानी ये लिक्विड भी है, सॉलिड भी है और गैसियस फॉर्म में भी है। लेकिन वैज्ञानिक एक चीज पर जरूर सहमत हो गए हैं और एक चीज जरूर जान पाए हैं कि हम इस जल के विषय में, इस पानी के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं। और इसकी शक्तियों को और इसकी विशेषता को जानने के लिए हमें बहुत सारी रिसर्च की जरूरत है। और जब इसको जानने के लिए, इस पानी की विशेषताओं को समझने के लिए दुनिया भर की प्रयोगशालाओं में, रिसर्च लैबोरेटरीज में प्रयास किए गए, तो नतीजे चौंकाने वाले थे। और जब ये बात दुनिया के सामने आई, ये वैज्ञानिक दुनिया के सामने ये बात लेकर आए, तो लोग चौंक गए ये जान के कि पानी की अपनी मेमोरी होती है। यस, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वाटर हैज इट्स ओन मेमोरी। ये एक आपका चलता फिरता कंप्यूटर है जो आपकी हर चीज, हर भावनाओं को अपने अंदर रिकॉर्ड कर रहा है। जैसे किसी टेप पर हम अपनी आवाज को रिकॉर्ड करते हैं, किसी कंप्यूटर चिप्स में, मोबाइल चिप के अंदर अपना डाटा, अपनी रिकॉर्ड, अपनी चीजें रिकॉर्ड करते हैं, उसी तरह पानी भी अपने चारों ओर की हर वातावरण को, अपने एटमोस्फेयर की हर भावनाओं को अपने अंदर, अपने क्लस्टर के अंदर ना केवल रिकॉर्ड करता है, लेकिन लंबे समय तक सहज के रखता है। और इसको जानने के लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग तरह की रिसर्च की, और इन रिसर्च को हम संक्षेप में आपके साथ समरी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आप भी ये चीज जान सकें कि जब भी आप इसके संपर्क में आए, तो आप ध्यान रहे कि वाटर हैज इट्स ओन मेमोरी। पानी का केमिकल कंपोजिशन अगर हम बात करें, तो ये हमेशा H2O ही रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, चाहे हम कितना भी बदल दें। लेकिन जब हम वातावरण की बात करें, जब इसके चारों ओर की भावनाओं की बात करें, या उस चीज़ की बात करें कि जिस चीज़ को ये महसूस करता है, तो ये अपना स्ट्रक्चर तुरंत बदल लेता है। यानी वातावरण में जितनी अच्छी भावनाएं होंगी, जितने अच्छे इमोशंस होंगे, उतना ही अच्छा पानी का स्ट्रक्चर होगा, यानी ये हमारे लिए उतना ही लाभकारी होगा। रूस के एक वैज्ञानिकों द्वारा वेनेजुएला के दूर दराज के जंगलों में जाकर एक झरने का पानी का इकट्ठा किया गया, ताकि उस पर रिसर्च की जा सके, क्योंकि इस झरने के पानी के बारे में पता चला कि ये अभी तक लोगों के संपर्क में नहीं आया है, मानव जीवन के संपर्क में नहीं आया है। यानी इसकी जो भावनाएं हैं, इसके अंदर बहुत ही प्योर भावनाएं थी। और जब लेबोरेटरी में इसको चेक किया गया, उस पानी के मुकाबले जो पानी हम लोग रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं, तो इसके परिणाम भी बहुत चौंकाने वाले थे। ये हमारे घरों के पानी के मुकाबले 40,000 गुना ज्यादा एनर्जी लिए हुए था। और जब इस पानी को उन वैज्ञानिकों ने अपनी टीम के साथ शेयर किया, लगभग एक हफ्ते तक उन पानी को पिलाया, तो उन एनर्जी लेवल, उनके सदस्यों का एनर्जी लेवल आश्चर्यजनक रूप से बढ़ चुका था। दूसरी ओर जापान की एक प्रयोगशाला में भी वैज्ञानिकों ने एक अलग ही तरह का अध्ययन किया। उन्होंने एक ही पानी को, एक ही जगह के पानी को तीन अलग अलग बीकर में, तीन अलग अलग पानी के कंटेनर्स में रखा, और एक ही तरह के चावल उसके अंदर डाल दिए। और एक महीने तक वैज्ञानिकों ने एक पानी को थैंक यू बोला, दूसरे पानी को इडियट, और तीसरे को पूरी तरह से इग्नोर करके रखा। और एक महीने बाद ये देखने की कोशिश की कि क्या तीनों एक ही तरह की चीजें निकल के सामने आती हैं। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीजें एकदम बदली हुई थी। एक महीने बाद थैंक यू वाले बीकर का पानी अच्छी तरह फर्मेंटेशन होने लगा था, उसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी।
वो बीकर जिसको लगातार इडियट कहा गया, जिसके पानी को लगातार इडियट कहा गया, उसके चावल पूरी तरह से काले हो चुके थे और किसी इस्तेमाल के नहीं थे। और जिस बीकर को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया, उस बीकर के चावल पूरी तरह से सड़ चुके थे। तो जो भावनाएं हम पानी को दे रहे हैं वो उसी तरह से रिएक्ट करता है। इसके अलावा भी वैज्ञानिकों ने हमारे चारों ओर के वातावरण को, जैसे हम पूजा करते हैं, जैसे हम अपनी भावनाएं पूजा के वक्त में पानी के वक्त शेयर करते हैं, या पानी जब संगीत के संपर्क में आता है, अलग अलग तरह का संगीत अलग अलग तरह की भावनाओं के साथ उसको चेंज करता है, या हम अपने स्वयं की भावनाएं जब हम पानी के संपर्क में लेते आती हैं, तो ये पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से अपना प्रभाव डालता है। इस पानी के स्ट्रक्चर को जब प्रयोगशालाओं में उन्होंने जमा कर चेक किया, तो आप खुद देख सकते हैं कि किस किस तरह का बदलाव देखने को आया। अच्छी भावनाओं के साथ पानी का स्ट्रक्चर बड़ा पॉजिटिव, और बुरी भावनाओं के साथ पानी का स्ट्रक्चर पूर्ण रूप से बिगड़ा हुआ था। ये सब रिसर्च, ये सब डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो लिंक के साथ शेयर करने वाला हूँ, जबकि उस ओरिजिनल वीडियो को आप शेयर कर सकें, देख सकें। इस लिंक को मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगा। पर एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है, और आप भी जानते हैं कि हमारा शरीर मुख्य रूप से पानी से ही बना हुआ है। चाहे हमारा मस्तिष्क हो, हमारी मसल्स हो, त्वचा हो, शरीर का कोई भी अंग हो, उसका मुख्य हिस्सा पानी ही होता है, 80% से लेकर 90% तक। और इतना पानी अगर शरीर में है, तो ये पानी इन सब भावनाओं को, जो चारों ओर वातावरण में फैली हुई इमोशंस हैं, उन सबको अपने अंदर सहज रहा है। इस वातावरण में मौजूद भावनाओं को ये न केवल रिकॉर्ड करता है, बल्कि उसके अनुसार अपनी नेचर भी लगातार बदलता रहता है। तो पानी को प्रयोग करते समय जब भी इसके संपर्क में आए, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि यह सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है और हमें प्रभावित भी कर रहा है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।